Yo, so welcome back to my YouTube channel. और आज हम करने वाले हैं Duke 390 सर्विस एट होम. और ये सर्विस कुछ नॉर्मल सर्विस नहीं होने, ये वाली होने वाली बहुत ही खास सर्विस, क्योंकि हम करने वाले हैं घर पे बहुत ही अच्छे और डिटेल तरीके से. और हमें चाहिए होगा ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर और क्या चाहिए, फ्यूल फिल्टर. और ये सारा सामान हमें मिलेगा सर्विस सेंटर से. तो अब हम जाएंगे पहले सर्विस सेंटर, वहाँ से सामान लाएंगे. और इंजन ऑयल जो डालने वाले हैं वो डालने वाले लिक्विड मोली का, मोटल का नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि हमने सोचा कि इस बार ऑयल चेंज करके देखते हैं. कूलेंट भी चेंज करने वाले हैं, सो हम कूलेंट भी लेकर आएंगे बाहर से. सो चलते हैं फटाफट और लेकर आते हैं सारा सामान. और अब हम आ गए हैं KTM वाले शॉप. कार्ड से पे करेगा ऋषि? कार्ड से कर देना. कार्ड नहीं भाई, फोन पे गूगल से कैश. ठीक है, 76 का होगा वो, 106 का जो भी दिया है तभी देख लेता हूँ. सो सारा सामान हमारा आ चुका है. और साथ ही हम लेकर आए हैं लिक्विड मोली का पावर पैक, और ये हमें पड़ा है 2800 रुपीज़ का. सबसे पहले अब हम करने वाले हैं वॉशिंग. सो बाइक सर्विस कराने के पहले हम इसका खोल रहे हैं. क्या खोल रहे हैं आप लोग? फ्रंट पॉकेट का कवर. पर कहानी में ट्विस्ट है, सर्विस एट होम कर रहे थे वो, अपन अकेले नहीं कर रहा. हमारे साथ कर रहे हैं अभिषेक सोनी. इसको वापस लगा रहे हैं, ये हमने खोल लिया और इसको इसके स्क्रूज वापस लगा रहे हैं. यहाँ से ऑयल लीकेज ना हो. ना ऑयल लीकेज हो जाता हल्का बहुत, ज़्यादा टाइट नहीं करना, हल्के हल्के हाथ से उसको कर दे रहे. तो ये पूरा जाके वॉश होगा कम्प्लीटली. हल्का क्यों टाइट कर रहा है? क्योंकि इस पर जो ये कवर लगा हुआ है वो नहीं है, ये लाइटली टाइट करना है उसको. अच्छा, अपने ज़्यादा अंदर घुस जाएगा. हाँ, और इसकी ज़रूरत नहीं है फ्रेम वाले की, कुछ उसके अंदर लगा नहीं है. तो ये मैं पॉलीथीन में दे रहा हूँ तो ये वो वॉश कर देगा. तो अभी हमारी होने वाली है बेसिक सर्विस स्टार्ट. अभी हम क्या कर रहे हैं? एयर फिल्टर का कवर खोल रहे हैं. और ये हमने अपने एयर फिल्टर का कवर निकाल दिया है. और एक साइड से तो ठीक ठाक दिख रहा है, दूसरे साइड से पक्का बहुत ही गंदा होगा. निकाल के देखते हैं. वाओ, ये एकदम फ्रेश. ओ माय गॉड, देख सकते हैं कुछ ज्यादा ही खराब हो गया. दिस इज टोटली पीस ऑफ शिट. डस्ट, ऑयल का ब्लो बैक. ओहो, दिस इज एवरीथिंग. दिस इज हाउ योर बाइक ब्रीथ. ये बाइक के लंग्स हैं जो एक्चुअली इस कंडीशन में अभी कोरोना से ख़राब. और अब हम नया एयर फिल्टर अपनी बाइक में डाल देते हैं. जैसे हमने पुराना निकाला वैसे हमें नया डालना है. अंदर प्लगइन्स रहती है, उसमें फंसा के पुश करना है जम से, थोड़ा ताकत लगेगी और हो जाएगा. सो फाइनली अब हमारा लग गया एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का कवर. और एयर फिल्टर जितना अच्छा रहेगा आपकी गाड़ी उतना अच्छे से ब्रीथ करेगी, उतनी अच्छी चलेगी, उतनी बेटर एफिशिएंसी रहेगी, उतना बेटर परफॉर्मेंस रहेगा. और फ्यूल का कुछ ज़्यादा माइलेज दे. माइलेज बढ़ेगा, यस, बिकॉज़ योर बाइक इज ब्रीदिंग नाइसली. तो हाईवेज पे थकेगी नहीं. अब हम खोल रहे हैं अपना टैंक. टैंक कवर
और ऐसे आप अपने स्क्रूज और सबको अच्छे से रखते सेफ्टी से एक बॉक्स में डालते हैं, गाड़ी के अंदर ना गिरे। और उसके वॉशर्स भी साथ में रखें कि वॉशर्स भी ना घूमें। तो ड्यूक 390 का अपन को जो कवर है वो स्क्रूज निकालने हैं, बैक पुश करके निकालना है। यहाँ पे नीचे होता है हमारा फ्यूल फिल्टर। ऐसे मैंने 390 का देखा था, उसमें तो पूरा टैंक ही अलग करना पड़ता है, करना पड़ता है काफी गाड़ियों में। इसमें भी अगर नीड रही तो करेंगे। हाँ। अभी नीड नहीं है। ये रहा फ्यूल फिल्टर, और फ्यूल फिल्टर चेंज करने वाले हैं। और ये कूलर की बोतल, पेट्रोल की खुशबू बहुत ही बढ़िया वाली आती हुई। सही बोला, आगे तो नशे ही करते। पुराना फ्यूल फिल्टर, ये हमारा नया फ्यूल फिल्टर। चलाओ, लुक एट दिस कंडीशन, पूरा ये अंदर मिट्टी से भर चुका है। आई डोंट नो लास्ट टाइम कब चेंज हुआ था। द व्हीकल हैज डन ओनली अराउंड 10,000 किलोमीटर, सो द न्यू वन गोज इन। और पुराना वाला गया यहाँ, सेफ्टी कैप्स, सो इसके अंदर डर्ट ना जाए। सो इट इज वेरी सिंपल, वेरी प्लग एंड प्ले टाइप। तो तीन कपलर्स हैं, बस ये आपको फिट एंड लूज। फर्स्ट वन, द सेकंड वन एंड द थर्ड वन, थर्ड वन, एंड योर फ्यूल फिल्टर इज डन। वो थोरली फ्लश करेगा अंदर से, जितना डर्ट एंड गंक है, ऑयल के रेसिड्यूज हैं, उन सबको इजीली बाहर रिमूव करेगा। सो we'll have to start the vehicle for 15 to 20 minutes on the idle position, race nahi deni hai. So here it goes. Okay, ab hum 15 minute tak gaadi chalayenge. 15 minute tak 15 minute ki gaadi idle pe start rahegi. निकाल रहे हैं बेली पैन। तो हमने ये क्यों निकाला है? ये इसलिए निकाला है कि ऑयल ड्रेन करने के लिए दो बोल्ट होते हैं एक ट्यूब पे। एक जो मेन रहता है बोल्ट, वो तो रहेगा ही रहेगा। एक नीचे छोटा स्क्रू और रहता है, जिसको निकालने के बाद एक स्मॉल स्ट्रेनर निकलता है, जिसमें से 100-150 ml के आसपास और खराब ऑयल निकलेगा। तो यूजुअली लोग मिस आउट कर देते हैं, बट वो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पुराना ऑयल पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वो वाली। ठीक है, जल्दी करते गाड़ी गर्म। मैं स्टैंड खोल रहा हूँ, रखना था ऑयल भयंकर गर्म रहेगा, गर्म ही निकालने का याद बाहर। गर्म गर्म ऑयल रखे रहना, ऐसे ही कुछ मत करना अभी। मैंने प्लायर रखा था यहाँ आसपास, प्लस 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 कर रखी है तूने। झुका दे गाड़ी, जरा झुका दे गाड़ी, हाँ झुका दे, वेल डन।
देख झाग निकल रहा है। समझ आया? हाँ। अब मैं इसको कहाँ रखूँ? बहुत गर्म ऑयल है, भयंकर गर्म। 15 मिनट चलाया हमने, अभी तो कूलेंट भी निकलेगा झमाझम। ये जो लोग घर पे सर्विस करते हैं वो इसको मिस आउट कर जाते हैं, वो तो कभी इसको खोलते नहीं है। तो 100-150 ml के आसपास खराब ऑयल रह जाता, गाड़ी के अंदर ही रह जाता है, और फिर वो नया ऑयल ऐड कर देते हैं और फिर नया ऑयल के साथ पुराना ऑयल मिक्स होके सब अंदर रह जाता है। तो फॉर द पीपल जो घर में करते हैं, जो घर में सर्विस करना प्रेफर करते हैं, टेक नोट गाइस, नीचे एक 30 नंबर का बोल्ट रहता है, इसको खोल के आप इसमें एक छोटा स्ट्रेनर निकलेगा जैसा बड़ा स्ट्रेनर निकला था उसको निकालें। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट डन। मैं उसको हाथ से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्म है और मेरे हाथ से ऑयल स्प्रेड हो सकता है, ज़्यादा निकल रहा है वो प्लास्ट चाहिए था मुझे। एक और करते एक छोटा स्ट्रेनर निकालूंगा उसमें से। हाँ, लोग उसको चेंज भी नहीं करते अपन तो फिर भी कर भी रहे हैं। निकल गए, आई एम ट्राइंग ब्रो। आ गया, ओ वाओ, रख दे आ गया ऑफिस वाला आ गया, निकलने से पूरा निकल गया। इतना अच्छे से तो किसी ने नहीं निकाला होगा। रिकॉर्ड कर। इतने अच्छे तरीके से तो किसी ने नहीं निकाला होगा। ये देखो, सो दिस इज द स्मॉल स्ट्रेनर। रुक जा, आई एम फोकस, एंड दिस इज द बिग वन। सो दिस ये रहा छोटा वाला स्ट्रेनर, ये रहा बड़ा वाला। तो इसको KTM ऐसा स्क्रीन बोलता है, ऑयल स्क्रीन्स। ऑयल स्क्रीन्स, सो इससे क्या पता चलता है? इस पे मैग्नेट्स लगे रहते हैं। सो ये मैग्नेट्स पे यूजुअली जितने मेटालिक पार्टिकल्स रहते हैं वो आके सारे चिपक जाते हैं। एज यू कैन सी ये सब है। सो आप इसको WD-40 और टिश्यू पेपर से दोनों को साफ करेंगे एंड देन वी विल पुट इट बैक। ओके, पॉज कर दें। कुछ वापस दिखाओ, बस WD-40 और अब इससे हम करने वाले हैं क्लीनिंग स्ट्रेनर की। ट्रेनर की क्लीनिंग, ओह वाओ, दिस इज क्लीन नाउ। दूसरा वाला लाता हूँ। क्या इसकी खुशबू तो कुछ अलग ही है, खाएगा डर्टी है। द सेकंड वन जो कि बहुत ज़्यादा डर्टी है। ओहो, WD-40 है, कमाल है। नाउ दिस इज अ नाइस वाइप। मेटेलिक पार्टिकल्स छोटे छोटे घिसे हुए हैं। दिस इज मेटेलिक पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसकी मैग्नेट पे चिपके हुए। तो इसका फंक्शन क्या है ये देख लेता हूं। ऑयल यहां से जाता है इस जगह से और बस यहां से फिल्टर होकर बाहर आ जाता है। देयर इज अ मैग्नेट रिंग हियर जो कि मेटेलिक छोटे छोटे फ्लेक्स एंड पार्टिकल्स को कलेक्ट करके यहीं पर रोक लेती है। दैट्स इट, यही काम है इसका और कुछ खास नहीं, बट स्मॉल थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हमने WD-40 से बोर्ड को क्लीन कर लिया है क्योंकि इसको वापस लगाना है। सो इसकी जो थ्रेड रिंग्स हैं ये सब साफ हो जाए इजीली। एंड वी आर पुटिंग बैक दिस स्ट्रेनर अगेन, वेरी क्लीन एंड नीट। दिखा दे, ये वाला शॉट दिखा दे अभी तक। उसको टाइट करने के लिए बस क्वार्टर मूव कर दो और दैट्स इट, टाइट हो गया। गंदा फिल्टर निकल गया है और अब ये है पॉलिथीन उठा न्यू फिल्टर।
जहाँ अंदर फ्रेश पॉलीथिन लगी फिल्टर की छोटी से लेके हेलो। तो ये पूरा हमने ऑयल फिल्टर का चेंबर क्लीन कर लिया है, इट इज़ कम्प्लीटली क्लीन। ये रहा नया ऑयल फिल्टर, इसको ड्राई नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे जिससे जब गाड़ी स्टार्ट करें तो ऑयल की फ्लो लाइंस में खाली ना चले। सो वी विल यूज़ द सेम ऑयल वी आर यूजिंग, लिक्विड मोली रेस 10W50। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लिक्विड मोली प्रोवाइड्स, इसमें ऑयल पोर करने में दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा निशान, तो ये इसमें थोड़ा सा अंदर डालेंगे और इट विल बी वेट फ्रॉम इनसाइड और ये ड्राई नहीं चलेगा। सो व्हेन वी विल स्टार्ट द इंजन तो वो उसके पास पहले से थोड़ी सी सप्लाई रहेगी। सो एज यू कैन सी ये ऑयल में सबमर्ज हो रहा है, विल जस्ट वेट फॉर 20-30 सेकेंड्स एंड देन वील पुट इट इन। तो ये गया अंदर एंड बोल्स दे और सॉकेट दे करना। तो ये ओरिंग है, यूजुअली ये चेंज करते हैं हर बार, बट हम घर पे सर्विस कर रहे हैं तो इसको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन सी दोज क्रैक्स वगैरह इसमें अगर आपको दिख जाए तो आप इसको डेफिनेटली चेंज करें, वरना ये रिंग दिस इज हमारे में है अभी, इट इज़ गुड बट इट इज एडवाइजेबल टू चेंज एवरी टाइम। अभी मैंने इसको क्लीन कर दिया है पूरे तरीके से, स्प्रे तो नहीं मारना, कर दिया क्लीन, करा है स्प्रे से किया है WD-40 से। सो इट इज डन और नाउ टाइम टू फिल द ऑयल। ठीक है, अब हम डालने वाले हैं लिक्विड मोली ऑयल। लिक्विड मोली, सो ये डलेगा इसमें 1.65 लीटर्स 1890 का, सो वील पुट इन 1.65। पहले एक बार वो थोड़ा सा ऐसे करके वापस कर लें। अच्छा, फाइनली हमने लिक्विड मोली को अपने इंजन में डाल दिया है और अब देखते हैं क्या फ़र्क आता है। ये फर्क दिखाएगा आफ्टर 2 or 3 days, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हाँ आपको गाड़ी में फील होगा, प्लस द मोस्ट टू वी आर एडिंग। बंद हो गया है, अब चालू किया दूसरा वाला ऑयल और ये अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब बारी है दूसरे ऑयल की। तो ये लेवल दिख रहा है, लेवल देख के जस्ट हाफ तक डालेंगे एंड देन विल स्टॉप। तो लेवल नहीं दिख रहा, यहाँ पे विजिबल है। सो हिला मत गाड़ी, ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच में ऑयल रहना चाहिए। लेट मी जस्ट ज़ूम इन, वेट, हाँ ये जो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये और एक ये, इनके बीच में गाड़ी सीधी करने के बाद ऑयल होना चाहिए। तो इससे अब हम देख देख के मेजर करके एग्जैक्ट डालेंगे। इट इज़ गुड, 1, 2, 3, 4, 5, 6.5 मोटर वाले कितना देता है। यस डन ब्रो, डन वी आर डन।
1.6 लीटर हो गया, नाउ दिस इज 1.65 एंड वी आर डन। सो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम बचा है वो है, जो नेक्स्ट काम हमारा है ये एडिंग दिस मॉस टू, दिस इज मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड। तो ये इंजन के ऑयल के साथ मिक्स होके एक इंजन पार्ट्स पे प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। सो दिस इज हाउ यू कट इट। सो नाउ द मॉस टू इज गोइंग इन, मॉस टू पूरा अंदर स्प्रे कर देंगे, ये पूरा ट्यूब अंदर डाला जाएगा इसमें। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से और डालना पड़ेगा अंदर तक जाने के? नहीं, खाली चेंबर है, अब भी आ जाएगा वो उसमें। सो ये मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड, नाउ वी आर डन विद दिस ऑयल एंड ऑल साइड। हाँ, सो ये हो गया है, अब डाल रहे हैं लिक्विड बॉडी, पेट्रोल एडिटिव, पेट्रोल बाहर निकाल रहे हैं। ड्रेन बोल्ट, इसमें कॉपर का वॉशर होता है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, इसको रखना ही है हमेशा। और ये बहुत गर्म सा कूलेंट अभी जस्ट आने वाला है, नहीं आया, ये ओपन कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला रेडिएटर का जो कैप है बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उसको मैं रेंच की हेल्प से खोलूँगा। ओके, सबने ये कैप खोल दिया है और कूलेंट गिरना चालू। रिजर्वायर से रेडिएटर में आ रहा है और रेडिएटर से नीचे कंटेनर में। तो ये रहा अब नया कूलेंट हमारा, बजाज कूलेक्स, क्योंकि मोटुल का इनोजेल और मोटुल का मोटोकूल अब प्रोवाइड नहीं हो रहा है, क्या पता क्यों। अब ये एचपी का कूलेक्स दे रहे हैं केटीएम वाले। ये डार्क है, वो बहुत लाइट है, ये बहुत डार्क है जो निकाला है, और जो डाल रहे हैं दैट इज वेरी लाइट, ट्रांसपेरेंट है, तो अच्छा किया बात है। ये इसको टॉप ब्रिम तक भर दिया है कूलेंट को, एंड देन ये ऐसे जो सिस्टम के पाइप्स हैं हम इनको दबा दबा के इसकी एयर निकालेंगे सिस्टम की, तो ये अगर इसमें एयर होगी तो एयर बाहर आएगी, वरना ऐसे लिक्विड ऊपर आएगा। फिर आफ्टर अ वाइल ऑफ डूइंग दिस, आप गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट करके एक बार सिस्टम किक इन कर जाए रेडिएटर का, तब तक वेट कर सकते हो, और उसके बाद भी सब सही रहता है तो दैट मीन्स यू हैव नो एयर इन योर सिस्टम। और जो बाकी का कूलेंट है वो हमें डालना है ऊपर वाले कूलेंट बॉक्स में 250 ml, और ये भर जाएगा, और आप यहाँ से इसको मेजर कर सकते हैं कि भर गया कि नहीं। बस फाइनल चेन टाइट, चेन टाइट हो चुकी है, क्लच टाइट हो चुका है, एंड एवरीथिंग इज डन, द व्हीकल इज गुड टू गो। यो, सो बाइक हो गई है पूरी तरीके से कंप्लीट। और अगर आपको मेरे फ्रेंड से सर्विस करानी हो तो इनका इंस्टाग्राम आईडी मेरे उसमें लिंक में है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको पहले, चाहते हैं आपकी गाड़ी सर्विस हो, बी इट कार बाइक और एनीथिंग। तो पहले थोड़ा सा टाइम शेड्यूल निकालना पड़ेगा मुझे, बट यस व्हीकल आपकी सर्विस होगी तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से। ठीक है, चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।